नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपको हमारे गाइस आप लोग यूट्यूब देख सकते चैनल हैं, में। बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको बॉयल कर लिए हैं। आप लोग को दिख रहा होगा कि हमने हल्का से बॉयल कर लिया है। करेली का कलौजी बनाने के लिए सबसे पहले हम उसको बॉयल कर लेते हैं थोड़ा सा। आप लोग देख सकते हैं कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हुआ है। इसके बाद हम देख सकते हैं, आप लोग प्याज काट लिए बारीकी से, और इसकी थोड़ी सी आप लोग को दिख रहा होगा इसकी पत्ती है, और इतना मिर्च हम डालेंगे, जबकि आप लोग को दिख रहा होगा दो तीन मिर्च हरी मिर्च है और दो चार पांच ये मिर्च हमने रेड वाला लिया हुआ है। इसके बाद हम इतना लहसुन ले लेते हैं और तो देख इसका सकते पेस्ट हैं बना लेते हैं। यहाँ पे हमने पेस्ट बना लिया है मिर्च और लहसुन का। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी, देख सकते हैं ऐड कर रहे हैं हम इतना हल्दी। इसके बाद हम गरम मसाला ऐड करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इतना हम डाल देते हैं। एक चम्मच नमक, स्वाद अनुसार आप मिला सकते हैं। गैस हमारा इतना सारा रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अब करेली की तरफ, उसका बीज निकालने। देख सकते हैं गैस यहाँ पे हमारा सब ये हो गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब मैं चीर के निकालने जा रही हूँ। बीज कैसे निकाला जाता है वो आप लोग प्रोसेस देखिए, कैसे बीच में से कट कीजिए, और इसको हम अच्छे से इसका बीज पहले निकाल लेते हैं। भरने से पहले इसका बीज निकाल के फिर मसाला इसमें ऐड करेंगे। देख सकते हैं कितने अच्छे से पूरा हमने बीज निकाल लिया है, निकल जाता है तो ऐसा दिखता है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से हम दूसरा निकाल के दिखा रहे हैं। बहुत ही ईजी है निकालना। बीच में से ऐसा कट कीजिए और देखिए किससे निकाल सकते हैं। हम दो तरीके से निकाल के दिखाए हैं आपको, एक बार काट के रोल वाला, और ये सेकेंड हम बीच में से कट करके ऐसा निकाल देते हैं। देखिए निकल रहा है। देखिए हमने पूरे इजली निकाल लिया, इसमें से सब निकल चुका है। देखिए गाइस हमने पूरा निकाल लिया हुआ है, सब इजली हमने निकाल तो लिया देख इसमें सकते से। हैं यहाँ पे हमने लिया है पैन। पैन में हम डालते हैं ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है, थोड़ा सा डाल के इसको मसाले में फ्राई करते हैं। पहले मसाला को फ्राई करके तब जाके हम बनाते हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं हम डालेंगे इसमें पचफोरन। पचफोरन हल्का आँच है, ज़्यादा फ्लेम तेज नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम मसाला ऐड करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा प्याज, देखिए प्याज। इसके बाद हम पचफोरन इतना रेड हल्का पिंक हो गया है, इसके बाद हम प्याज डालेंगे। इसका प्याज का पत्ती है वो हम पहले डाल लेते हैं। इसके बाद डालेंगे, इसके बाद हम ये पूरा ये डालेंगे प्याज का टुकड़ा, महीन कटा हुआ बारीक कटा हुआ हम डाल लेते हैं। इसके बाद इसको हल्के फ्लेम पे ऐसा जलाते रहेंगे, ज़्यादा मीडियम आँच नहीं होना चाहिए। ज़्यादा मीडियम हो जाते तो बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा मीडियम से थोड़ा ऊपर होना चाहिए हमारा। देखिए गाइस हमने बहुत ही फ्लेम कम करके इतना पिंक हो गया है, इतना मतलब प्याज का कलर आना चाहिए। इसके बाद हम मसाला ऐड करेंगे, और देखिए इसका जो बीज है ना, जो करेला का बीज हम फेंकते नहीं, इसी में ऐड करते हैं। डालिए, देखिए हम इसी तरीके से इसको इसमें डाल देंगे और इसको इसको हल्का फ्राई कर देंगे, इसी के साथ हो जाता है। इसके बाद हम ऐड करेंगे मसाला, जितना हमने पेस्ट बनाया था वो पूरी मसाला इसी में ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको चलाएंगे। गाइस हमारा फाइनली मसाला रेडी हो गया। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, इसका बीच बीच पर आ गया है। इसके बाद हम भरेंगे। अब ये देख सकते हैं इसमें हम भर रहे हैं, जो गोला वाला हमने काटा था इसको हम ऐसे इस तरीके से करेंगे। देखिए भर गया है, देखिए इसको भर के हम रख लेते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा भर लेते हैं, जो हमने ऐसा कट किया था बीच में से। अब इसको बीच में से ऐसा कट करके इसको भरेंगे। हाथ से भरेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अच्छे तरीके से आप अपने आवश्यकता अनुसार अच्छे कंफर्टेबल करके इसमें भर सकते हैं। भर के और एक फिंगर से ऐसे दबा लेते हैं। देखिए
देखिए हमारा कितना अच्छा टेस्टी एकदम भर गया, फटा भी नहीं हमारा, देखिए कितना अच्छा है, देख सकते हैं हमारा पूरा ऐसे करके हमने रेडी कर लिया। अभी इसमें हमने लिया है ऑयल, देख सकते हैं हमारा ऑयल फाइनली ये तैयार हो गया। अब ऐसे करके हम डाल लेते हैं, मीडियम फ्लेम कर लेते हैं, ऐसा करके हम सब पूरा डाल लेते हैं। फ्लेम थोड़ा सा कम ही होना चाहिए बिकॉज जलेगा नहीं। इसको पूरी ऑयल में ऐसा करके हम डाल लेते हैं, जितना स्पेस है वो इजली फ्राई हो जाता है, बहुत अच्छा फ्राई होता है। आप लोग एक बार बना के ट्राई जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लगता है, दाल चावल के साथ ये ऐसा खा सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा ये फ्राई हो रहा है। तो फिर इस तरीके से हम चाकू से इसको पलट रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा चाकू पतला होता है इससे इजली पलट जाता है। देखिए कितना अच्छा आपको ये लग रहा है, देखिए मीडियम आँच है तो जला भी नहीं है, काफ़ी फिर इसका कलर का दिख रहा है। ऐसा बारीकी से सब करके हम पलट लीजिए ताकि जले नहीं। इसके बाद हमारा ये इतना बचा हुआ है, हम दोबारा डालेंगे इसको। हमारा इतना तैयार हो रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कितना अच्छा, कितना देखने में स्वादिष्ट बन चुका है। देख सकते हैं अपना पूरा हो गया, अब इसको हम निकालेंगे, ये दोनों हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये दोनों सीरिंग हो गया है, तो ऐसा करके हम निकाल लेते हैं, ऐसा करके देखिए सब फ्राई हो गया है। बाकी सब ये थोड़ा थोड़ा और करने देते हैं क्योंकि रेड हो गया है, ये खाने लायक हो गया, बहुत अच्छा हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरा भी डाल सकते हैं, उसे डाल के अभी फ्राई कर लेते हैं, देख सकते हैं उसी ऑयल में, ऑयल ख़राब नहीं होता, दोबारा उसी ऑयल में हम डाल के उसे सब फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना इजली हमारा कम लो में, लो फ्लेम पे हो रहा है। गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारा रियली तैयार हो गया है ये फाइनली, आप यहाँ से देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया, एक भी फटा भी नहीं है, ना ही ये कुछ हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा है। ये दाल चावल के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा हो गया, एक बार खा के ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा होता है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।